हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वन्ना स्टडी पॉइंट। आप सभी अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हमारा उत्तराखंड करंट स्पेशल टॉपिक है। एंड स्टूडेंट, जब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से हमारे जो अगस्त में इसका फॉर्म आया था, ठीक है, तो हमारा जो एक पूरा एंटायर वन ईयर है बिफोर और मेन्स एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उससे पहले का हमें पूरा एक साल का अपना जो करंट अफेयर है उसका अच्छे से रिवीजन करना है। स्टैटिक पोर्शन तो स्टूडेंट्स कवर अप करना ही करना है, बट साथ ही साथ जब हम मेंस देने जा रहे हैं तो मेंस के लिए हमारे पास जितना भी जो करंट का टॉपिक है, ठीक है, फ्रॉम हमारा राज्य स्पेशल जो उत्तराखंड है कि यहाँ पे एक साल में क्या क्या घटनाएं घटित हो रखी है, क्या क्या एक्ट्स पारित हुए हैं, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन सभी को हमें देखना है। साथ ही साथ हमें ऑल ओवर इंडिया का भी करंट अफेयर अपना अच्छे से तैयार करके ले जाना है। स्टूडेंट्स, आप सभी कुछ जानती हैं कि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है एंड जो हमारा मेंस है इसका वो अगस्त में है, ठीक है, लोअर का भी और अपर का भी। तो यहाँ पे हमें अपनी इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट कि हम वहाँ पे अच्छे से अच्छा अपना एक प्रयास कर सके और एक अच्छा स्कोर अचीव कर सके। स्कोर अच्छा अचीव करने के लिए स्टूडेंट यही है कि आपको अपनी तरफ से पूरी एक बैलेंस तैयारी करनी है। बैलेंस तैयारी एक ऐसा पैकेज है स्टूडेंट्स जिसमें आपको सारी ही चीज़ें सिलेबस में जो भी आपके मेंशन टॉपिक हैं वो तो आपको कवर अप करते ही जाना है, बट साथ ही साथ अगर जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक से कोई भी न्यूज़ आपको रिलेवेंट दिख रही है, ठीक है, जो उस टॉपिक में पर्टिकुलर रिलाई करती है या उस टॉपिक से संबंधित हमारा कुछ भी चीज़, ठीक है, पूरे एक साल की करंट अफेयर में कहीं भी आपको दिखता है तो ऑब्वियसली आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि टाइम कम है। तो इसी के साथ ही साथ जब आप एक अच्छा अपनी तरफ से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तो उसी के साथ आप एक अच्छा इसमें स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप स्टूडेंट 2 महीने में क्या कर पाएंगे क्योंकि इस बार हम देखते हैं कि मेंस के लिए टाइम हमारा काफ़ी कम है, ठीक है, तो आप फटाफट अपना जो पूरा सिलेबस है उसे कम्प्लीट करिए, साथ ही साथ जो करंट अफेयर है पूरा एक साल का वो आपको पूरा रिविजन करना स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, 3-4 लेक्चर मैंने उत्तराखंड के प्रोवाइड करा दिए हैं और अगस्त 2021 से लेके अभी तक का जो आपका, ठीक है, ये जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर है, जून जुलाई तक का, 2022 तक का, उसमें जितनी भी एक साल में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उत्तराखंड में हो रखी हैं, ठीक है, वो मैं एक उत्तराखंड की स्पेशल के लेक्चर्स में आपको डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जिस हिसाब से टाइम स्टूडेंट हो पाता है, ठीक है। तो मेरा भी एक यही प्रयास है स्टूडेंट कि मैं आपको एक वैल्यूएबल लेक्चर्स दे पाऊँ जो आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छे हो, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लेक्चर में देखेंगे ये भी हमारा करंट का टॉपिक है, ये है सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। हम देखते हैं स्टूडेंट ये अगस्त से लिया है, ठीक है, मैंने फ्रॉम द अगस्त मंथ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट अगस्त से एग्ज़ाम फॉर्म हमारा आए थे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगस्त से ही मैं इसमें जो अगस्त मंथ था उस मंथ से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हमें हमारा मेंस के लेक्चर की वजह की तरह से ही और मेंस के एग्ज़ाम की तरह से ही हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पी के लिए तो हम देखते हैं कि 1 मार्कर वाले सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, बट यहाँ पे आपसे वही चीज़ पूछी जाएगी जो आपकी रिलेवेंट होगी, ठीक है, फ्रॉम द टॉपिक जिस पे आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, 50 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, 125 वर्ड्स, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सम्मान पेंशन योजना। सम्मान पेंशन योजना स्टूडेंट क्या है पहले हमें ये समझना है, साथ ही साथ कोई भी हम योजना पढ़ रहे हैं तो उसके हमें 2-4 मुख्य बिंदु भी पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम इतनी चीज़ें कर ले रहे हैं, थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख ले रहे हैं कब शुरू हो रही है, किसके द्वारा शुरू हो रही है और इस योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, ये चीज़ें हम इतना पढ़ के जा रहे हैं तो हम इजीली अपना कोई सा भी आंसर अपना सॉल्व उसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अटेम्प्ट कर पाते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली हमारे स्कोर करने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ, सम्मान पेंशन योजना। सम्मान पेंशन योजना स्टूडेंट एक्चुअल में ये जो योजना है, ठीक है, ये योजना हमारी 9 अगस्त 2021, ठीक है, 9 अगस्त 2021 को, ठीक है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं
इन शॉर्ट मैं सीएम लिख देती हूँ यहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा क्या होता है, आपको ये वैसे योजना नहीं लग रही होगी, बट एक्चुअल में जो ये स्कीम है ये हमारी कोई नई स्कीम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारी स्कीम क्या है, 9 अगस्त 2021 को क्या होता है स्टूडेंट, कि जो उत्तराखंड के सीएम है, ठीक है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा क्या किया जाता है, एक कुटुंब पेंशन योजना करके हमारी एक योजना है, ठीक है, कुटुंब पेंशन योजना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, सम्मान पेंशन योजना कर दिया जाता है। स्टूडेंट जब हम देखते हैं कि कोई भी हमारी कोई भी स्कीम है, ठीक है, या तो कोई नई स्कीम बन रही है या फिर हमारा किसी स्कीम का नाम चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी के भी द्वारा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं या उत्तराखंड के सीएम हैं या कहीं भी कोई भी हम राज्य स्पेशल अपना एक पीसीएस देने जा रहे हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके के जो हमारे टॉपिक हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है स्टूडेंट कि क्या है कि हमारी सम्मान योजना पेंशन योजना क्या है, ये हमारी जो पेंशन योजना है, ठीक है, 9 अगस्त 2021 को उत्तराखंड की जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कुटुंब पेंशन योजना का नाम परिवर्तित करके सम्मान पेंशन योजना रख दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि 9 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कुटुंब पेंशन योजना, ठीक है, तो कुटुंब पेंशन योजना का नाम परिवर्तित करके, ठीक है, का नाम परिवर्तित करके सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया, ठीक है, सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया। अब स्टूडेंट एक चीज और है, ठीक है, आप अगर किसी भी लैंग्वेज में पेपर अपना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप पेपर हिंदी में दे रहे हैं, ठीक है, या पेपर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हैं, तो दो चीजें होती है स्टूडेंट, ठीक है, आपका आंसर अच्छा बनाने की क्या होती है स्टूडेंट, कि आप मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यू आर राइटिंग योर मेंस इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको जो भाषा है आपकी, ठीक है, भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, इस पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट। इससे मेरा कहने का ये मतलब है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि द्वारा पेंशन योजना का नाम परिवर्तित करके, मैंने वर्ड यूज किया है परिवर्तित, ठीक है, मैं चाहती तो इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकती थी कि नाम बदल कर, नाम बदलकर सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज है स्टूडेंट कि आप अगर अपना मेंस हिंदी में दे रहे हैं या आप अपना मेंस इंग्लिश में दे रहे हैं, आपको क्या कोशिश करनी है, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, मतलब आपको एक वहां पे अच्छा आंसर शो करना है, साथ ही साथ आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अपने वर्ड अपनी लैंग्वेज को वहां पे स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, जो आपके जो आंसर है उसको पावरफुल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश में भी दे रहे हैं तो नॉर्मली इंग्लिश ना यूज करके कहीं कहीं पे आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स जो अच्छे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली डिक्शनरी में यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स को आपको यूज करना है किसमें, अपने क्वेश्चंस में, ठीक है, अपने आंसर्स में, ताकि आपका आंसर वहां पे अच्छा लग सके। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, डजंट मैटर स्टूडेंट, बट आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपकी उसमें अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, उस भाषा में आपकी यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक चाहे आप हिंदी में कोई चीज लिख रहे हैं, इंग्लिश में कुछ चीज लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वर्ड मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है स्टूडेंट, और आपको अपनी भाषा पे अच्छी एक कमांड रखनी है, ठीक है, तभी आप वहां पे एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यही सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट, क्योंकि लिख के तो सारे बच्चे आते हैं बट वहां पे मार्क्स ज्यादा, या अभी हम देखेंगे कि प्री में से बहुत कम बच्चे जो है सिलेक्ट, इतने सारे इसमें कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं प्री में, बट मेंस में हम देखेंगे बहुत कम बच्चे इसमें सिलेक्ट होकर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, तो वहां पे यही रीजन होता है स्टूडेंट कि आपको अपना एक आंसर बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। सारी चीजें हैं, सारी चीजें आप सभी को पता है, स्टार्टिंग आपको इंट्रो से करना है, कंटेंट अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग देना है, कंक्लूजन अपना देना है, बट वहां पे साथ ही साथ जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी एक लैंग्वेज अपनी, आपकी लैंग्वेज में अच्छी कमांड होनी चाहिए, साथ ही साथ आप फ्लो चार्ट या डायग्राम की हेल्प से अगर आप समझा पाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए सम्मान पेंशन योजना हमारी यही है कि इस योजना को क्या है, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा
कुटुंब पेंशन योजना का नाम परिवर्तित करके हमारा सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया, ठीक है। अब ये कुटुंब पेंशन योजना किसके लिए है? कुटुंब पेंशन योजना जो है राज्य के जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। तो जो भी हमारे उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है, इनके लिए ये योजना है। कौन सी योजना? कुटुंब पेंशन योजना इनके लिए थी। तो उत्तराखंड के राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो ये पेंशन कुटुंब पेंशन योजना थी उसका नाम बदल के क्या किया गया है यहाँ पे? सम्मान पेंशन योजना किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। ये सारी चीजें हैं। अब तो कुटुंब पेंशन योजना किसकी है? सभी के लिए नहीं है स्टूडेंट, ये सिर्फ किसके लिए है? उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कि मुख्य बिंदु क्या क्या हैं इस योजना के, इसमें क्या क्या चीजें हुई स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला चीज इसमें जो क्या है, जो उत्तराखंड के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है, उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके आश्रितों को इस योजना के माध्यम से क्या किया गया? सम्मान एक प्रदान किया गया। इसीलिए इस योजना का नाम बदल के क्या किया गया? इसमें कुटुंब हटा के यहाँ पे सम्मान रख दिया गया। क्यों रखा गया इसमें? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है, भारत के हों या किसी भी राज्य के हों, तो उनका एक बलिदान रहता है, ठीक है, उन्होंने अपने राज्य के लिए काफ़ी बलिदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सभी लोग हैं उनको एक सम्मान देने के लिए इस योजना का नाम उत्तराखंड सरकार के द्वारा बदल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मुख्य बिंदु यही है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किए गए बलिदान के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किए गए बलिदान के लिए उन्हें सम्मानित करना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किए गए बलिदान के लिए सम्मान देते हुए योजना का नाम सम्मान योजना किया गया, ठीक है। एक बिंदु तो हमारा यही है क्योंकि एक्चुअल में यही इसका पॉइंट है कि हाँ जो उन्होंने बलिदान दिया था उसके लिए ही इसमें क्या किया गया, उनको सम्मान देने के लिए ये सब चीजें की गई, ठीक है, कि पेंशन का योजना का नाम हमारा बदल दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से क्या किया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम हमारे सेनानी है, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रितों को भी वहां पे सम्मान दिया गया, ठीक है। कहाँ दिया गया? 9 अगस्त 2021 को, ठीक है, देहरादून में एक टाउन हॉल में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, ठीक है, देहरादून में सम्मानित किया गया। ये इतनी चीजें स्टूडेंट जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये आपको समझाने के लिए इसके बारे में है, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि 9 अगस्त 2021 को, ठीक है, तो 9 अगस्त 2021 को ही होता है देहरादून में जो हमारा टाउन हॉल है, ठीक है, देहरादून में टाउन हॉल में सभा होती है, वहीं पे इस योजना का नाम बदल दिया जाता है, सम्मान पेंशन योजना कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को एक सम्मानित करते हुए एक सम्मान देते हुए इस योजना का नाम हमारा बदल दिया जाता है, ठीक है। और उस दिन को उक्त तिथि को 9 अगस्त 2021 को हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। और इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह है स्टूडेंट कि जो इनके आश्रित हैं, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से एक मजबूती मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को के जीवन स्तर को सुधारना और एक उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के जीवन स्तर को सुधारना एवं उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करना, ठीक है, या आर्थिक सहायता एक अपनी प्रदान करना। योजना का मुख्य उद्देश्य है, आप इसे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं कि योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के जीवन स्तर को सुधारना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट आज का लेक्चर। ये हमारा सम्मान पेंशन योजना से संबंधित था। सम्मान पेंशन योजना पर्टिकुलरली सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है, उनके आश्रितों को के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है, उनको एक सम्मान के तौर पे उनको जो कुटुंब पेंशन योजना मिलती है उसे उन्हें उनके जो उन्होंने जो एक बलिदान दिया है उसको सम्मानित करते हुए इस योजना का नाम बदल के 9 अगस्त 2021 को CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा क्या कर दिया गया, सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यही है आज का हमारा लेक्चर जो हमने सम्मान पेंशन योजना के बारे में देखा। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। और आपने आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। यहाँ पे डेली के ही आपको लेक्चर्स UKPSC मेंस के स्पेशल के लिए प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए स्टूडेंट। मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ नई वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।